बहुत ही पुरातन और हम कहते हैं कि स्वर्गीय भाऊसाहेब रंगारी जी ने जो स्थापना की थी, वो स्थापना जिस दिन हुई थी उस दिन से आज तक जो जो यहाँ मांगा गया वो उसका जो मांगा वो पूरा मिला। और ये जो संस्थान है इसका पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में जो अपने आप में एक भावना है, संस्कार है, संस्कृति है, जो विरासत का जतन किया हुआ है। अब हेरिटेज में भी इस संस्थान के सारे जो एक्टिविटीज है उसको देने का प्रयास भी कर रहा है, ऐसा मुझे बताया गया। मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जो परंपरा है और हमारे पुना खासकर सांस्कृतिक और धरोहर है, इस धरोहर को स्वर्गीय भाऊसाहेब रंगारी जी से मुझे लगता है कि 1800 सदी से ये परंपरा चल रही है। और आज मुझे दर्शन करके जो यहाँ के हमारे ट्रस्टीज हैं रंगारी जी और सारे उनके परिवार के लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे अभी भी वो धार्मिक पवित्रता, अभी भी वही संस्कार, वही अपनापन यहाँ दिखाई दिया है। भगवान जी का दर्शन तो हुआ लेकिन साथ साथ में जो अपनापन मिला वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरे ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी और सारे जुड़े हुए नागरिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यही परंपरा सालों साल चलती रहे, हज़ारों साल चलती रही, यही आशा मैं सारे पदाधिकारी से करता हूँ। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके हेरिटेज सेंटर कैसा बने। मैं खुद कहा है कि मैं 15-20 दिन महीने भर बाद मैं खुद विजिट करने वाला हूँ। एक मैं भी देखने वाला हूँ कि किस प्रकार से आगे जाने का प्लान किया गया और जिस प्रकार से उनका घर और ये हेरिटेज में आने के बाद एक अलग महत्व देश में प्राप्त होता है, देश के इतिहास में एक महत्व प्राप्त होता है, जिसमें हेरिटेज जो जो स्टेशंस होते हैं, हेरिटेज जो जो वास्तुएं होती है, कलाएं होती है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से उसका जतन किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि उसको हेरिटेज में लेना चाहिए। इसके लिए मेरे लेवल पर मैं भी प्रयास करने वाला हूँ।